आपके साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने के पीछे तेज हवाओं को जिम्मेदार ठहराया है। शिंदे ने कहा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी जिससे प्रतिमा गिर गई। सीएम ने कहा नेवी ने शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन कराई थी, हम इसे दोबारा मजबूत तरीके से बनाएंगे। पीडब्ल्यूडी और नेवी के अधिकारी सिंधुदुर्ग जाकर घटना की जांच करेंगे। तटीय सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में बनी शिवाजी महाराज की प्रतिमा सोमवार दोपहर 1 बजे गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नेवी डे पर इसका उद्घाटन किया था। पुलिस ने मामले में कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ FIR दर्ज की है। महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री और भाजपा नेता रविंद्र चौहान ने बताया कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नेवी को 2,36,00,000 रुपए दिए थे। हालांकि प्रतिमा बनाने वाले आर्टिस्ट के चयन, उसके डिजाइन की पूरी प्रक्रिया नेवी ने की थी। चौहान ने बताया कि 8 सितंबर 2023 को प्रतिमा बनाने का ऑर्डर दिया गया था। प्रतिमा में इस्तेमाल किए गए स्टील में जंग लगना शुरू हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने पहले ही नेवी के अधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी और उनसे ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इंडियन नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना के जांच के आदेश दिए हैं। नेवी ने सोमवार देर रात एक बयान जारी किया, इसमें कहा गया हमने प्रतिमा गिरने के कारण की तुरंत जांच करने और जल्द से जल्द मूर्ति की मरम्मत और फिर से उसकी स्थापना के लिए एक टीम नियुक्त की है। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।